है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। आए हैं पापड़ से बनने वाली बहुत ही नई सी रेसिपी। डेफिनेटली आपको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी क्योंकि मैंने बहुत ही नए तरीके से बनाया है। आपने ऐसी रेसिपी कभी नहीं खाई होगी। आपने मसाला पापड़ और पापड़ की सब्जी बहुत सारी रेसिपीज खाई होंगी पापड़ से बनने वाली, बट ये रेसिपी बहुत ही नई है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, शेयर जरूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर उड़द दाल का पापड़ लिया हुआ है। आप कोई भी फ्लेवर का ले सकते हैं, बाजार की है ये, आप होममेड भी ले सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं हम इसकी नई रेसिपी। तो सबसे पहले हम एक पैन गरम करेंगे और उसमें हम डालेंगे ऑयल, कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, मैंने एक टेबलस्पून के करीब में लिया है। तेल को अच्छे से गरम होने के बाद एक छोटी चम्मच जीरा डालेंगे और उसके बाद बारीक कटी हुई हरी मिर्च, 3 से 4 हरी मिर्च मैंने ली है, उन्हें काट कर लिया है, उनको भी डाल देंगे। बारीक बारीक कटी हुई अदरक के टुकड़े, वो भी डालेंगे हम इसमें। उसके बाद डालेंगे 7-8 लहसुन की कलियाँ जिसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से मिला लेना है और थोड़ी देर तक भून लेना है, जब तक इनका कच्चा फ्लेवर है वो ख़त्म नहीं होता तब तक। बहुत ज़्यादा हमको इसको गोल्डन नहीं करना है, थोड़ी देर भूनना है बस, लगातार चलाते रहें। तो ये अच्छे से मिल गया है और अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, एक मीडियम साइज़ प्याज जिसको मैंने बारीक बारीक काट के लिया है वो हम इसमें डाल देंगे, और इनको भी हमें बहुत देर तक नहीं भूनना है, यानी कि गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा सॉफ्ट होने तक हम इनको भून लेंगे। तो लगातार चलाते रहें और उसके बाद आप देख सकते हैं थोड़ी देर में ये सॉफ्ट हो गए हैं लगभग, इनको मैंने बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं किया है। तो अब हम इसमें डालेंगे कुछ सब्जियां। तो मैंने यहाँ पर ली हुई गाजर जिनको मैंने ग्रेट कर लिया है, एक छोटा सा गाजर लिया है और उनको ग्रेट कर लिया है छील के। उसके बाद डालेंगे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च, ये भी हम इसमें डाल देंगे, एक शिमला मिर्च थी उसको मैंने काट के लिया है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। थोड़ी देर हम इनको भून लेते हैं, जब तक अच्छे से मिल ना जाए तब तक भूनेंगे। आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। उसके बाद डालेंगे हम जीरा पाउडर 1 छोटी चम्मच, आप धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं। आधी छोटी चम्मच के करीब हम डाल देंगे सेंधा नमक, इससे बहुत ही अच्छा स्वाद आता है तो इसे ज़रूर डालिएगा। हल्दी डाल देंगे आधी छोटी चम्मच और इन सारी चीज़ों को हम मिला लेंगे और थोड़ी देर भून लेंगे। नमक हम इसमें सबसे लास्ट में डालेंगे, इसमें अभी हम नमक नहीं डालेंगे। तो हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं और थोड़ी देर तक भून लेंगे, इनको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है हमें। तो ये देखिए थोड़ी देर के बाद ये अच्छे से मिल भी गया है, सॉफ्ट हो गए सारी सब्जियाँ, लगभग कुक हो गए हैं, हमने 70% ही कुक किया है। और अब हम इसमें डालेंगे बॉईल किया हुआ आलू, 2 मीडियम साइज़ आलू ली है और उनको बॉईल करके मैश कर लिया है, वो हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद ग्रेट किया हुआ पनीर डालेंगे, तो हमने यहाँ पे ग्रेट करके डाला है, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो पनीर डालें या फिर स्किप कर सकते हैं, पनीर डालना ज़रूरी नहीं है, बट अगर है घर में तो आप डाल सकते हैं। उसके बाद डाल देंगे हम यहाँ पर कसूरी मेथी, ये होममेड कसूरी मेथी है, आप बाज़ार वाली भी डाल सकते हैं। तो इसको हम मिला लेंगे सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है, हाई नहीं रखना है, तो हम मिला लेते हैं सारी चीज़ों को। और अब ये अच्छे से रेडी हो गया है, तो मैं इसमें डालूंगी बारीक कटे हुए धनिया पुदीने के पत्ते और आधी छोटी चम्मच के करीब में गरम मसाला पाउडर, और उसके बाद डाल देंगे आधी छोटी चम्मच से भी कम हम यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर, और सबसे लास्ट में हम यहाँ पे डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमें फ्लेम को लो रखना है और थोड़ी देर के बाद हम गैस का फ्लेम बंद करेंगे, पहले मिला लेते हैं। तो गैस का फ्लेम कर दिया है बंद और ये रेडी हो गया है हमारा। तो हम इनको ठंडा कर लेते हैं प्लेट में निकाल कर, कितना ज़्यादा डिलीशियस ये बनके तैयार हो गया है। तो हम इनको ठंडा कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम रेसिपी को स्टार्ट करेंगे, गरम गरम यूज़ नहीं करना है। तो अब हमें लेना है कोई भी प्लेट या फिर थाली और उसमें हम डाल देंगे पानी, बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, आधे कप से भी कम डालें तो भी चलेगा। हमें यहाँ पर एक पापड़ लेना है, मैंने यहाँ पर उड़द दाल का पापड़ लिया है, आप कोई भी फ्लेवर का ले सकते हैं, और इनको हमें पानी में इस तरीके से डुबो लेना है जब तक ये थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं होते तब तक कि देखिए। और एक्स्ट्रा पानी हम पोंछ लेंगे टिश्यू पेपर से, और इनको हमें रख लेना है कोई भी थाली या फिर ट्रे में। और उसके बाद जो हमने स्टफिंग तैयार करी थी वो स्टफिंग हमें 1 टेबलस्पून के करीब में, टेबलस्पून के करीब में लेना है, और उसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा, इनको हम स्प्रेड कर लेंगे यानी कि लंबाई में हम इस तरीके से फैला लेंगे, और फिर हम इनको रोल कर लेंगे जैसे हम वेज रोल बनाते हैं ना, बस उसी तरीके से हम इनको रोल कर लेंगे। लेकिन सिर्फ एक पापड़ काफ़ी नहीं है उसके लिए, हम एक पापड़ और लेंगे और उसको फिर से हम पानी में डुबोएंगे, और थोड़ा सॉफ्ट होने के बाद से
अच्छी तरीके से लगा लें, एक्स्ट्रा पानी हटा लें। चाहे तो आप टिश्यू पेपर से पोंछ सकते हैं और उसके बाद हमें इसको एक बार फिर से रोल कर लेंगे, ये देखिए, ताकि ये सेफ हो जाए। तो हम इनको रख लेते हैं, आप देख सकते हैं इसी तरीके से सारे हम बनाकर रेडी कर लेते हैं। तो मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ, बता देती हूँ कि कैसे फिर से हमको रोल करना है। पानी में हमने एक पापड़ लिया और उसमें स्टफिंग डाला और उनको हमें रोल कर लेना है, साइड के किनारे हमें अच्छे से बंद कर लेना है। उसके बाद से दूसरा एक पापड़ लेना है, उसको सॉफ्ट होने के बाद से हमें फिर से उसको रोल कर लेना है इस तरीके से, और किनारे हमें बंद कर लेने हैं और सारे इसी तरीके से बना कर रेडी कर लेंगे। सारे पापड़ को इस तरीके से रोल करके रेडी कर लिया है और ये बिल्कुल तैयार हो गया है। तो अब हम इसको पकाते हैं। तो कैसे पकाना है, तो मैंने यहाँ पर कढ़ाई में तेल गरम कर लिया है और तेल को अच्छे से गरम होने देंगे। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर मूंगफली का तेल लिया है। ऑयल को अच्छे से गरम होने के बाद हम इसमें एक एक करके डालेंगे जो हमने पापड़ के रोल बनाए थे ना, वो आप देख सकते हैं। एक अगर अच्छे से हमारा बन रहा है तो हम इसमें दूसरा भी डालेंगे। थोड़ी देर हम इनको उलट लेते हैं और अब हम इसमें दूसरा वाला पापड़ भी डालेंगे। एक साथ में ज़्यादा नहीं डालना है, दो या तीन ही डालकर हमें इसको तलना है। तो जब तक ये क्रिस्पी नहीं होते अच्छी तरीके से, हम इनको क्रिस्पी कर देंगे। तो देख सकते हैं आप, बिल्कुल अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो गया है, ये बिल्कुल रेडनेस आ गई है इसमें। तो अब हम इनको और ज़्यादा नहीं पकाएंगे और इनको हम निकाल लेंगे। फ्लेम को हमें हाई से मीडियम फ्लेम के बीच में ही रखना है, बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रखना है। तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा क्रिस्पी हो गया है। सारे पापड़ हम इसी तरीके से डालकर तल लेते हैं। तो बिल्कुल तैयार है ये पापड़ की बहुत ही नई सी रेसिपी। आपको कैसी लगी ज़रूर हमें कमेंट करके बताइएगा। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिलीशियस है और आपने कभी नहीं खाया होगा ऐसा रोल, यकीन मानिए बहुत ज़्यादा टेस्टी है। आप इसको किसी भी अवसर पर बना सकते हैं या फिर टी टाइम स्नैक्स के तौर पर भी बना सकते हैं। आप इसको सेजवान चटनी या फिर इमली की खट्टी मीठी चटनी के साथ भी सर्व करिए। अगर आपको सेजवान चटनी की रेसिपी चाहिए तो आप ऊपर आई बटन पर देखकर क्लिक कर सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको चटनी की रेसिपी दे दी है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो मैं आपको इसको काट कर दिखाती हूं कि अंदर से कैसा है। तो काट लेते हैं हम इसको चाकू से। बहुत ही ज़्यादा बाहर से क्रिस्पी है पर अंदर से तो स्टफिंग है, और स्टफिंग बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिलीशियस इसका लुक है। आप इसको कभी भी बनाइए, आपके बच्चों को भी ये भाने वाला है, बहुत ज़्यादा यमी रेसिपी है। तो कैसी लगी आपको रेसिपी, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है, तो जिससे कि जब भी मैं कोई नई रेसिपी डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए, यानी कि आपको सबसे पहले पता चल जाए कि मैंने कोई रेसिपी डाल दी है। तो आपको कैसी लगी है पापड़ की बिल्कुल नई सी रेसिपी, अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। मिलती हूँ अगली एक नई रेसिपी के साथ, बाय।